गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। बेटा आज की जो हमारी जो वीडियो है, ये 7th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 की है। इस वीडियो में हम डेसिमल्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा डेसिमल ग्रेटर देन होगा। तो जो जैसे कि आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच इज ग्रेटर, ठीक है, आपने ग्रेटर बताना है। और क्वेश्चन है 0.5 और 0.05। तो बेटा आपने क्या करना है, ये डेसिमल के बाद ये टेंथ प्लेस होता है तो उसको ध्यान से देखो। ये जो टेंथ प्लेस है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 0, तो आप इस चीज से भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है। यहाँ पर टेंथ प्लेस 5 और यहाँ टेंथ प्लेस 0, तो बेटा ये जो आपका ग्रेटर देन हो चुका है 0.5। और आप लाइक डेसिमल करके भी कर सकते हैं। लाइक डेसिमल में 0.5 के आगे हम 0 लगा लेंगे या फिर 0.05, ये है ही। अब ये वैसे हम डेसिमल के बाद पढ़ते नहीं, हम डेसिमल के बाद यही पढ़ते हैं 5, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर देखो, यहाँ 5, 0 से हमें दिख रहा है ये 50 और 0.5 से 5। तो बेटा ये आपका ये जो नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, ये ग्रेटर देन है। सो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। और बेटा आप यहाँ से भी एस्टिमेट लगा सकते हैं विदाउट लाइक डेसिमल करके। मैंने अभी बताया, टेंथ प्लेस को ध्यान से देखो, टेंथ प्लेस आपका 5 है और यहाँ पर जो टेंथ प्लेस है वो है 0, ठीक है। अब ऐसे हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, 0.7 और 0.5। बेटा यहाँ टेंथ प्लेस 7 और यहाँ टेंथ प्लेस 5, तो कौन सा ग्रेटर हुआ? आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये 0.7, ठीक है, ये ग्रेटर देन है 0.5 से। और ये मैंने बता भी रखा है, टेंथ प्लेस ऐसे होगा, यहाँ पर टेंथ प्लेस 5, 10, तो 7 और 10 फ्रैक्शन के रूप में हम इनको तोड़ सकते हैं, तो ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं, जैसे थर्ड पार्ट है 7 और 0.7, बेटा ये अकेला 7 है, ये वंस प्लेस है और ये टेंथ प्लेस है। यहाँ पर आप इसको चेक करो, इसका वंस प्लेस 0 है और यहाँ पर 7 है, तो बेटा 7 ग्रेटर देन है 0.7 से। इसी तरह यहाँ आओ, 1.37 और ये है 1.49, तो यहाँ से आप ये 1 प्लेस 1, यहाँ पर भी 1, इक्वल इक्वल। टेंथ प्लेस चेक कर लेते हैं, ये 3 और ये 4, तो बेटा ये आपका ग्रेटर देन हो चुका है। 1.49 इज ग्रेटर देन 1.37। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट भी ऐसे होगा। 2, यहाँ पर 1 1 प्लेस 2, यहाँ का 1 प्लेस भी 2 ही है। आपको यदि दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ भी 2 ही है और इसका जो टेंथ प्लेस 0 और यहाँ पर जो टेंथ प्लेस है वो 3 है, ये 3 है, तो बेटा कौन सा ग्रेटर देन होगा? 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। तो इस तरह से हम इनको चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं। लास्ट सिक्स्थ पार्ट है 0.8 और 0.88, तो हम टेंथ प्लेस चेक कर लें। यहाँ तो टेंथ प्लेस 8 है बेटा, यहाँ पर भी 8 है, लेकिन इसका जो 100th प्लेस है ही नहीं, तो इसकी जगह आएगी 0। आप लाइक डेसिमल करके देख सकते हैं इसको। और यहाँ का इसका जो 100th प्लेस है वो बेटा 8 है, तो इट मीन्स ये जो नंबर है, डेसिमल नंबर 0.88, ये ग्रेटर देन है 0.8 से। और ये जो नोटेशन मैंने क्यों डाल रखी है, डू इट सेल्फ, ये सभी क्वेश्चन आपने अपने आप ही करने हैं, मैंने करके दिखा रखे हैं ऊपर, ठीक है। तो आप अपने हेल्प से करेंगे और मैंने आपको बता भी दिया। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करना किसको, एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, रुपीज में कन्वर्ट करने हमने किसको, पैसे को, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7 पैसे, जो हमारा 7 पैसे को हम रुपीज में कन्वर्ट करें, तो एक बार आप साइड में देखो इसको ध्यान से, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/100 रुपीज, ये ध्यान कर लेना आप, ये नोट कर लेना। अब हम पैसे को कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, यहाँ हमारा पैसे हैं 7, 7 मल्टीप्लाई और पैसे को कन्वर्ट कर देंगे 1/100 रुपीज में। 1/100, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 और यहाँ 100 रुपीज ये, और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, ये आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, बिकॉज कुछ यहाँ दिक्कत आई हुई है, ठीक है। तो
तो उसमें आपको क्या जाएगा, जीरो पॉइंट, मैं बता रहा हूँ जीरो पॉइंट, जैसे टू अंक हंड्रेड के लिए बेटा टू अंक तक डेसिमल जाता है, ठीक है, टू डिजिट तक डेसिमल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.07। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन करके देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो है सेवन रुपीज, यहाँ पर है सेवन रुपीज और सेवन पैसे, इसको हमने कन्वर्ट करना रुपीज में। तो हम सेवन रुपीज को कुछ भी आपने यहाँ नहीं करना, सेवन रुपीज को यूं कहीं और लिख लो और साथ में प्लस लगा लो, ठीक है, और सेवन पैसे के जैसे इसका फर्स्ट पार्ट था उसको ऐसे ही कन्वर्ट कर लो रुपीज में। तो फर्स्ट पार्ट में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया होगा और जैसे इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और ये 0.07 वहां दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम सेवन रुपीज प्लस 0.07 रुपीज को प्लस करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखो नोट यहाँ पर लिख रखा है, अच्छी तरह ऐड कर रखे हैं 7.00, ठीक है, और फिर 0.07 ये डेसिमल में ऐड करते हैं। इस तरह से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं 7.07 रुपीज, ये बन जाएगा। और जितने और क्वेश्चन है शायद वो आपने डू इट सेल्फ अपने आप ही करने हैं और करने ही होंगे, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सक करके हमें बता सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का वो एक्सप्रेस करना किसको, सेंटीमीटर इन मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में एंड किलो मीटर में, ठीक है। अब इसको मैंने एक थोड़ा सा यहाँ कुछ लिख रखा है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट केएम, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, एंड उसके बाद हमारे पास है ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ये हमारे यहाँ होते हैं। इन चीजों को हम कभी भी ऐसे इधर उधर से उधर करते हैं तो आपने ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, इसको ध्यान करना है। जैसे ही सभी को आप ऐसे लिखोगे, सभी के बीच में 10 10 10 का गैप होता है बेटा, 10 10 देखो सभी मैंने लिख रखा है। और जैसे ही आप केएम से एमएम की साइड में जाओगे, किलोमीटर से मिलीमीटर की साइड में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि हम एमएम से रिवर्स वापिस आते हैं केएम तो हम करते हैं डिवाइड, मैंने लिख भी रखा यहाँ डिवाइड, ठीक है। अभी आपके पास 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, इट मीन्स आप वापस आ रहे हैं केएम की तरफ, रिवर्स चल रहे हैं। तो जैसे ही सेंटीमीटर से हम एम पर गए, ध्यान से देखो यहाँ, तो बीच में हमारे पास, ठीक है, एक डेकामीटर भी है, सॉरी डेसीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर से डेसीमीटर 10 का गैप, और फिर डेसीमीटर से मीटर पर जाएंगे फिर 10 का गैप है, तो टोटल हमारे पास 10 और 10 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो 100 से डिवाइड होगा क्योंकि रिवर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने 5y में 100 लगा रखा है, और फिर आप डेसिमल लगा दो, 100 के लिए टू डिजिट 0.10 हम अपनी तरफ से 5 ये मीटर, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को बेटा आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज देखो आप चले जाओ, ये आपका था सेंटीमीटर यहाँ, और यहाँ से आप आए हो कहाँ, ठीक है, आप यहाँ पर आ चुके किलोमीटर पर। ओके, अब यहाँ से कितना 10 का गैप है बीच में, आप ध्यान से देखो, ठीक है, कितने कितने 10 है, 1 2 3 4 एंड 5, इट मीन्स 5 10 है और उनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आप ध्यान से देखो यहाँ 1 लाख हो जाएगा, ये 1 0 एक्स्ट्रा लगा रखी थी आपने, ये नहीं लगानी, 1 लाख कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ लगा भी रखा साथ में, इसमें ध्यान से देखो 1 km इज इक्वल टू इतने 1 लाख सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1 लाख किलोमीटर। तो आप जैसे डेसिमल लगाओगे 5, और उसके बाद कितने डेसिमल के लिए हमने कितने चाहिए, यहाँ 4 0 और चाहिए, 1 2 3 एंड 4, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लग गया फिर 0। ओके, ये केएम हो गए। तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने आप ही करेंगे, डू इट सेल्फ लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। आपने उसको किस में मिलीमीटर में कन्वर्ट, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, फिर मीटर एंड फिर किलोमीटर, सेम इसी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे पास ऊपर टेबल है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो भी ऐसे ही है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, वो केजी का, वो किलोग्राम में है, ठीक है, तो वो भी आप अपने आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
आप इन क्वेश्चन को अपनी फिर नोटबुक में उतार सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक बेटा क्या, बाय बाय बाय।